हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत सी अम्ब्रेला डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन में अम्ब्रेला बना हुआ है, जो वॉल रैपिंग में सब डिज़ाइन में सारे अम्ब्रेला एक के बाद एक सब बने दिख रहे हैं। छतरी नुमा है ये, तो डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, छतरी नुमा ये डिज़ाइन। ये किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बच्चों के फ्रॉक वगैरह में भी इसे नीचे घेरे में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी डिज़ाइन लगेगी, तो या फिर कार्डिगन वगैरह में भी इसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। ऑल ओवर में बनाएं या फिर नीचे थोड़ा सा बना के फिर बाकी प्लेन भी कर सकते हैं, सभी तरह से अच्छा लगेगा। ये इसका बैक साइड है और इसका फ्रंट साइड है। वैसे ये शॉल स्टॉल स्कार्फ सभी में ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। आसान सी डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है, देखने में बस लग रहा है कि डिफ़िकल्ट होगी लेकिन इजी है डिज़ाइन, और आसानी से बनने वाली ये बुनाई भी आगे बढ़ती है। तो ये डिज़ाइन 12 सिलाइयों में बन जाती है और टोटल 18 फंदों में बनने वाली डिज़ाइन है। तो इसके लिए चलिए मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगी, दो डिज़ाइन थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तो 18-18 के मल्टीपल से आप फंदे डालिएगा और मैं 18 फंदों में एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए और दो फंदे एज स्टिच के लिए डाले हैं। और जब फंदे आप डालें तो फिर 18-18 फंदे के हिसाब से फंदे डालेंगे तो डिज़ाइन आगे बन जाएगी। तो फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, फंदा जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बनेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा रिपीट करेंगे हम चार बार। इसी को रिपीट करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो इसको देखिए, एक दो तीन हो चुका है, चौथी बार हम और बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच का फंदा। इस तरह से ये हमारे 21 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई है इस डिज़ाइन में, सारी उल्टी सिलाइयाँ पूरी पूरी उल्टी बनानी है और इसे हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है, उल्टी सिलाई में हर बार उल्टा ही बनाना है, जो भी चेंज है सीधी सिलाइयों में ही है। तो ये हमारी दो सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दो सिलाई बना ली। अब रो थर्ड देखिए, रो थर्ड में हमें क्या करना है, फंदा सेम रिपीट करना है, सिर्फ जाली से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, अब दो फंदा सीधा और एक जाली, फिर इसके बाद एक एक सीधा बनने के बाद तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, तीन, तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। अब ये देखिए, अब हमें फिर से जाली बनानी है। यहाँ पे हमें एक फंदा सीधे के बाद हमें यहाँ पर जाली बनानी है, एक फंदा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी रो थर्ड कंप्लीट हो गई। रो फोर्थ हमें पूरी उल्टी बुननी है, सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बना लेने हैं।
उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। रो फिफ्थ है, पांचवी सिलाई। अब इस बार हमें एक फंदा जाली से और बढ़ाना है। फंदा स्लिप करेंगे और एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा। अब फिर से हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली। अब इसके बाद फिर से जाली बननी है, एक जाली फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, एक फंदा एज स्टिच का। ये हमारी रो फिफ्थ है, छठी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बना लेनी है। तो इस तरह से छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमें पूरा उल्टा बना लेना है। अब ये छह सिलाई कंप्लीट हो गई। रो सेवेंथ में अब हमारे फंदे बढ़ेंगे और घटेंगे दोनों ही। तो जाली से हम फंदा बढ़ाएंगे, फंदा स्लिप करने के बाद एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा। अब ये देखिए जो हमारे तीन फंदे हैं, तो हमने पहले दो फंदे उल्टे, इनको दो का एक कर देंगे उल्टा, फिर एक उल्टा और बुन लेंगे। इसे रिपीट करेंगे बार बार, हर बार फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से फिर एक फंदा सीधा और एक जाली, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक दो तीन और चार, चार फंदे सीधे, फिर एक एज स्टिच का फंदा। ये हमारी रो सेवेंथ है। रो एट्थ हमें सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से इसमें हमने चार फंदे घटा दिए। अब सात, आठवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी हो जाएगी। रो एट्थ पूरे सारे के सारे फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं। तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हमारी आठ सिलाइयों की डिज़ाइन हो चुकी है, रो नाइन्थ। अब इसमें भी इससे हमें फंदे बढ़ाने घटाने भी हैं। तो एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे सीधे, इसके बाद फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, और फिर से हम दो फंदे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हमारे पास ये दो उल्टे फंदे जो बचे हैं, इन्हें दो का एक कर देना है, फिर सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे का एक फंदा कर देंगे हर बार।
तो चार फंदे हमारे इस तरह से घट जाएंगे। फिर दो फंदे का सीधा, दो फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर दो फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा और जाली बनाते हुए पांच फंदे सीधे और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये हमारी नाइन्थ रो है। टेंथ रो हमारे सारे फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। ये टोटल 12 सलाइयों की डिज़ाइन है। अब ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने 10 सलाइयाँ बना ली। अब रो 11th, अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने और घटाने हैं। फंदा स्लिप करेंगे, अब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छः फंदे सीधे, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा। अब ध्यान से देखिएगा इस फंदे को कैसे घटाएंगे। अब ये देखिए, सामने से दो फंदे को हम इस तरह से सिलाई पे उतार लेंगे, फिर अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे को हम इस तरह से सिलाई पर से उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये सीधा सीधा दिखाई देगा। तो ये हमने एक साथ दो फंदे घटा दिए, फंदा फिर ये फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब फिर से हम इन फंदे को सामने से दो फंदे को उतारा सिलाई पे, फिर तीसरे फंदे को हमने बुन लिया, फिर दो फंदे को एक साथ सिलाई पर से उतार दिया। फिर ये हमारे चार फंदे घट चुके हैं एक साथ, फिर एक फंदा सीधा। तो ये देखिए हमारे टोटल 5 फंदे बचे। फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 6 फंदे सीधे बुन लेंगे और एक एज स्टिच का फंदा लास्ट में। तो हमारे सारे फंदे बुन लिए गए। ये हमारी रो 11th है। रो 12th हमें पूरे सिलाई के फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो ये हमारी टोटल 12 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। इन्हीं 12 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है और हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। यही टोटल 12 सिलाइयाँ हैं इस डिज़ाइन की। बहुत आसान सी डिज़ाइन है, आसानी से बुनाई भी आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने 12 सिलाइयाँ बना के दिखा दी आपको। अब फर्स्ट रो आगे डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी मैं स्टार्ट करके दिखा देती हूँ, जो हमने फर्स्ट रो में बनाया था। तो ये हमारी ये देखिए 12 सिलाइयों की डिज़ाइन इस तरह से है। अब पहली सिलाई हम कैसे बनाएंगे अगली डिज़ाइन शुरू करने के लिए, तो मैं दिखा देती हूँ। फंदा स्लिप किया, एक फंदा सीधा, जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा, अब 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर फंदा 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे, फिर फंदा सीधा, फिर एक 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा और एक एज स्टिच का फंदा। तो ये डिज़ाइन मैंने स्टार्ट कर दी। अब आगे से सेकेंड रो से लेके 12वीं सिलाई तक हम जो हमने अभी बनाया है सेम उसी को कॉपी करेंगे और डिज़ाइन आगे हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये और ये इस तरफ से ये डिज़ाइन इस तरह से हो जाएगी। आगे हम 18 फंदे और डालेंगे तो इस तरह से डिज़ाइन जुड़ती चली जाएगी। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी कि डिज़ाइन किस तरह से बनेगी। और ये देखिए, जब ज़्यादा सी बनाएंगे तो डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और ये इसका शॉल वगैरह में भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी, बच्चों के ब्लैंकेट में भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। बॉर्डर भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें, ऑलरेडी जो है नीचे से बॉर्डर तैयार हो जाएगा।
तो ये जो भी प्रोजेक्ट बना है तो उसमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आपसे मिलूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें।